नाजरीन, खूबसूरत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे अपनी नुमाइश के 25 साल पूरे कर चुकी है। 25 साल थोड़ा नहीं बल्कि एक लंबा अरसा होता है। इन गुजरते सालों के 22 इस फिल्म के चॉकलेटी हीरो शाहरुख खान के चेहरे पर नमोदार होने वाली झुर्रियां उनकी बढ़ती उम्र की चुगली खाती नजर आती हैं। काजोल जो इस फिल्म में बला की पुरकशिश और हसीन नजर आई, उनकी ताज़ा तस्वीरों को देखकर लगता है कि वो अपनी इस कातिल जवानी को अलविदा कहने वाली हैं। इस फिल्म में अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाले अमरीश पुरी ने दुनिया से ही मुंह मोड़ लिया। फरीदा जलाल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बड़े नेचुरल अंदाज में काजोल की माँ का किरदार अदा किया, लेकिन अब वो देखने में माँ की माँ लगती हैं। छुटक्की अब छोटी नहीं रही बल्कि बड़ी मस्त बन चुकी है। गलत फहमी से इस फिल्म में शाहरुख खान की मोहब्बत में बंधने वाली मंदिरा बेदी की खूबसूरत मुस्कुराहट भी अब फीकी पड़ चुकी है। किस्सा मुख्तसर, इन 25 सालों में सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं बदला तो वो इस फिल्म की मकबूलियत। लोग आज भी इस फिल्म की कहानी, डायलॉग, अदाकारी, दिलफरेब लोकेशन और फिल्म का मुनफरिद एंड सब याद रखे हुए हैं। इस फिल्म के गानों पर लोग आज भी झूम उठते हैं। लोग आज भी काजोल और शाहरुख खान की खूबसूरत जोड़ी को इस फिल्म के हवाले से याद करते हैं। लोगों को आज भी काजोल के इस फिल्म में पहने गए ड्रेसेस याद हैं, खास तौर पर ग्रीन ड्रेस। इस ग्रीन लिबास में आप देविया भारती, माधुरी, रानी मुखर्जी, कियारा एडवानी और अनन्या पांडे को देख चुके हैं। अब इस ग्रीन लिबास में देखिए जूही चावला और ख्वाबों की मलका रूप की रानी श्री देवी को, जो इस फिल्म के 25 साल पूरे होने की खुशी को दुबाला कर देंगी।